जिला जेल सोनभद्र से एक कैदी फरार हो गया। कैदी जेल में इलेक्ट्रीशियन का कार्य करता था। कैदी राम लल्लू पुत्र अमृत लाल गांव कोगा थाना बबनी का रहने वाला है और गेट के दूसरे तल पर बिजली खराब होने के कारण ऊपर मरम्मत के लिए गया था, जहां से तार की मदद से दीवार फांदकर फरार हो गया। कैदियों की गिनती के दौरान जेल प्रशासन को इस बात की जानकारी हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2014 से यह कारागार में निरुद्ध था। दहेज हत्या के मामले में यह बबनी थाना से गिरफ्तार हुआ था। वह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। कैदी से इलेक्ट्रीशियन का काम लिया जा रहा था, लेकिन उसके साथ पर्याप्त सुरक्षा गार्ड न होने के कारण मौका मिलते ही कैदी फरार हो गया। कैदी फरार हो गया है, क्या है पूरी? ये कल शाम की घटना है। वहाँ गुरमा जेल में सोनभद्र में एक कैदी राम लल्लू, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, ये बबनी थाने से जेल में बंद हुआ था। इसका इस ऊपर डाउरी डेथ का अपराध इसके ऊपर दर्ज है। 2014 से ये जेल में था और गुरमा जेल के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में भी वहाँ सेवाएँ अपनी दे रहा था। तो इसको वहाँ मूवमेंट करने में आज़ादी मिली हुई थी। कल शाम में जब ये छत के ऊपर चढ़ा, कुछ बिजली का तार ठीक करना के लिए इन्होंने भेजा इसको, तो कहीं ना कहीं जेल की लापरवाही रही कि इसमें इन्होंने उसको पर्याप्त सुरक्षा गार्ड इसके पीछे नहीं लगाए, तो उसी बिजली का वायर इसने एक खंभे को वहाँ बांध करके वो जेल के पीछे के साइड से उतर कर भाग गया। तो रात में जब पुलिस को सूचना मिली तो चारों तरफ पुलिस वहाँ पर इसको सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इसके घर पर वहाँ पर तलाश किया जा रहा है। इसमें FIR दर्ज करके मेरे द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है गुरमा जेल का, और इसको तत्काल अरेस्ट करने के लिए निर्देश दे रखे हैं और इसकी एक जो एक रिपोर्ट हमारे द्वारा प्रेषित की जाएगी। तो सर, क्या मानते हैं कि जेल में ये लापरवाही बढ़ती जा रही थी, कैदी के साथ इस तरीके से छोड़ देना? हाँ, इसकी एक ज्वाइंट रिपोर्ट जैसा मैंने बताया हम लोग देंगे, और कहीं ना कहीं इसमें जो भी दोषी होंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।